नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। अमेरिकन होने के बावजूद दिल से हिंदुस्तानी रेनी लेन भारत को अपना दूसरा घर मानती और क्रिश्चियन होने के बावजूद अपने धर्म को मानने के साथ ही हिंदू धर्म पर भी पूरी आस्था और विश्वास रखती है। इसीलिए वो अक्सर हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना तो करती ही है, ट्विटर पर देवी देवताओं की तस्वीरें भी शेयर करती रहती। अमेरिकन रेनी लेन मानती है कि हिंदू धर्म में इतनी ताकत है कि वो विश्व और मानवता में बदलाव ला सकता है। इस बात का जिक्र रेनी लेन ने अपने एक ट्विटर पोस्ट में भी किया है। उन्होंने भगवान विष्णु की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, हिंदू धर्म धर्मांतरण नहीं करता बल्कि सभी को अपना रास्ता चुनने देता है। मैंने हिंदू धर्म इसलिए चुना है क्योंकि ये सभी जीवित वस्तुओं का सम्मान और उनसे प्रेम करना सिखाता है। मैं बल्कि एक हिंदू और अत्यंत विश्वासी कहलाती हूँ क्योंकि आखिरकार हिंदू धर्म की शिक्षाएं दुनिया के साथ ही मानवता में भी बदलाव ला सकता है। भारत के सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म पर रेनी लेन ने कहा, भारत में अगर मैं बकरी की जगह गाय की देखभाल करती हूँ और उसे पूजती हूँ तो मुझे सांप्रदायिक कहा जाता है और मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन अगर मैं धार्मिक उद्देश्य के लिए गाय काटती हूँ तो मैं एक अच्छी इंसान। ऐसा क्यों है कि गाय की हत्या करने पर तारीफ होती है जबकि जीवित गाय की पूजा करना अंधविश्वास कहा जाता है? क्या भारत में सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म है? रेनी लेन इससे पहले भगवान गणेश की तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर कर चुके हैं। अमेरिका की न्यूजर्सी में रहती हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में रची बसी रेनी लेन को यहाँ का बॉलीवुड, योग, मूवी, हिंदी और तमिल संगीत भी काफी पसंद है। रेनी लेन वॉइस फॉर इंडिया नाम से एक प्रोजेक्ट भी चलाती है।